विषय हरियाणा की बड़ी खबरें। कांग्रेस हाईकमान ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में प्रवेश करने से 16 दिन पहले नई नियुक्तियां करके सभी गुटों को साधने का काम किया है। पार्टी हाईकमान ने हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी शक्ति सिंह गोयल को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। इससे हुड्डा की नाराजगी दूर करने का प्रयास है और दूसरी ओर एक संदेश भी दिया है कि सोनिया गांधी के दरबार में आज भी शैलजा की पकड़ मजबूत है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने संयुक्त किसान मोर्चा के नाम खुला पत्र लिखा है। चढ़ोनी ने किसान आंदोलन के दौरान हुए घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए एसकेएम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चढ़ोनी का कहना है कि यूपी के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनिंग के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे 5 किसानों की गाड़ी से रौंद कर हत्या की गई थी, लेकिन इस हत्याकांड में भी एसकेएम ने किसानों को गुमराह किया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हो रही टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर उठ रहे सवालों के बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। शिक्षक भर्ती को लेकर कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भर्ती को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागे हैं। सिरसा के ढवाली नेशनल हाईवे पर कार और स्कूल वैन की टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। मृतकों की पहचान देशराज और उसकी पत्नी दर्शना रानी के रूप में हुई है। वह ढवाली के रहने वाले थे। हादसे में उनके 2 बेटे और दामाद भी घायल हो गए हैं। उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के निजी अस्पताल में भिजवा दिया है। करनाल में खड़े ट्राले से एक बाइक जा टकराई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल हो गए। सभी युवक गीता जयंती समारोह से वापस लौट रहे थे। पुलिस ने 3 मृतकों के शवों कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।